Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल ईजी वे में और स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. Friends, nowadays I am teaching you about the emphatic and statements. Five videos में डाल चुका हूँ already, और आज मैं part 6 पढ़ाने जा रहा हूँ. उसी से संबंधित है emphatic and statements. Sentence अलग अलग तरह के होंगे, बस आपको समझते जाना है. मैं हर वीडियो में दो दो स्टेप या तीन तीन स्टेप बताते जा रहा हूँ ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, आपके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना हो समझने में. मीन्स एक ही स्टेप में अगर हम समझ लो, आप 5 वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर एक ही वीडियो मैंने आपको पांचों वीडियो का एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया होता तो आप समझ पाते नहीं समझ पाते. जब तक आप देख रहे होते आप बोलते हाँ हाँ ठीक है हाँ सही है, ऐसा बनता है वैसा बनता है, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद खत्म तो सब खत्म. मीन्स सब वो हो जाता है, पानी पर खींची हुई लकीर की जैसा हो जाता है. एक तरफ से लकीर खींचते जाते हैं और दूसरी तरफ से मिटती जाती है, वैसा ही होता है. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखो और अच्छे से सीखो, समझते हुए सीखो, फिर आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे. अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप धीरे धीरे सीखो. जो भी सीखो उसको अच्छी तरह से दिमाग पे उतार लो, फिर उसका इस्तेमाल करो, फिर उसको यूज़ करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो उसको रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यूज़ करते करते याद हो जाएगा, फिर अच्छी तरह से दिमाग में फिट बैठ जाएगा एकदम. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं. मोहन ना केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है. तो इसमें मोहन नॉट ओनली रीड्स, यहां पर थोड़ा अलग, यहां पर मोहन डज नॉट रीड ओनली ऐसा कभी नहीं लिखना. मोहन डजंट ओनली रीड्स ऐसा कभी नहीं लिखना है. मोहन नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड. मोहन नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है. बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, मोहन डजंट ओनली रीड ऐसा मत लगाना. मोहन के बाद नॉट, मीन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट लगाओ, ओनली लगाओ, फिर से वर्ब लगाओ, फिर उसके बाद बट ऑल्सो और फिर से वर्ब. सीमा न केवल सुंदर है बल्कि तेज भी है. सीमा नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट. सीमा नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. जैसे सीमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट एज वेल. ओके फ्रेंड्स, ये देखो इसमें मैंने दो तरीके बताए आपको. सीमा नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, तब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा. सीमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट एज वेल, यहाँ पर हमने पूरा एक ही सेंटेंस में बना दिया, बट यहाँ पर दो सेंटेंस बनाना पड़ा मुझे. बट हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बोला भी जाता है, यूज भी होता है, आपको जो भी इजी लगे वो आप बोलो. ठीक है, सीमा नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट. सीमा इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल फुल स्टॉप सेकेंड सेंटेंस. सी इज इंटेलिजेंट एज वेल, एज वेल का मतलब साथ साथ वो तेज भी है. ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये मोहन केवल छात्र ही नहीं बल्कि नेता भी है. तो मोहन नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो अ लीडर. ठीक है फ्रेंड्स,
ये तो पहला वाला नियम हो गया, रूल हो गया। फिर इसको हम सेकंड तरीके से बनाते हैं, मोहन इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट, ही इज अ लीडर एज वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो भी जिस तरह के भी सेंटेंस आया है मैंने उसमें आपको बता दिया है इसको किस तरह से बनाएंगे और इसको किस तरह से बनाएंगे। इसमें क्यों ऐसा बना, इसमें कोई वर्ब नहीं है, करने वाली कुछ बात नहीं है, मोहन न केवल पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, इसलिए उसको एक तरीके से हमने बनाया है। और इसको हमने दो तरीके से बनाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है, सुंदर और तेज, ये सब एडजेक्टिव है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और इस तरीके से भी बोल सकते हैं। यह भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, जो भी दिमाग में फिट बैठ जाता है वही ठीक है। बट जानकारी दोनों की होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं होता कि सामने वाला कौन सा स्टेप इस्तेमाल करेगा, कौन सा सेंटेंस, कौन सा नियम इस्तेमाल करेगा बोलने में। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों का दोनों याद रखना है, बट बोलना एक ही है, जो भी इजी लगे, जो भी आसानी से कंफर्टेबली हमारे मुंह से निकल जाए वही ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वैसा ही है, सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज का स्टेप, आज का जो भी क्लास है, अभी आज का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप जो भी देखते हो उसको, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपके लिए मैं बात कहने जा रहा हूँ कि आप जो भी देखते हो, आप जैसे आपने आज ये देखा, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करो। आपके मीन्स आपके पास आएगा नहीं ऐसा सेंटेंस, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको, किसी के साथ, फ्रेंड के साथ या किसी भी रिश्तेदार के साथ, कोई भी पास वास पड़ोस पड़ोसी के साथ, किसी के साथ भी आप ये बोलो, एक्टिंग करके बोलो, ऐसे सेंटेंस क्रिएट करो और बोलो दो चार बार, दो चार दिन ऐसा प्रैक्टिस करो। आप एक दिन सीखते हो, दो दिन उसका इस्तेमाल करो, यूज करो, क्रिएट करो सेंटेंस अपने आप में, फिर उसको बनाओ, फिर इस तरह से इंग्लिश सीखा जाता है, कोई भी भाषा सीखना आसान हो जाता है इस रास्ते से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसा कोशिश करो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कह के, उनसे कोशिश करवा के, इस तरह से प्रैक्टिस करवा के, आज वो इंग्लिश बोलना जानते हैं अच्छी तरह से और बोलते हैं जितना उनको ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी सीख जाओगे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।